हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली स्टैटिक जीके के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ये रहा हमारी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। डी डी टी इज अ एन, हमें बताना है कि जो डी डी टी होता है वो एक फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, मैन्योर है या एक्सप्लोसिव है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो डीडीटी है वो एक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। चलिए अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स के बारे में। तो जो भारत रत्न होता है वो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। अगर हम बात करें अशोक चक्र की तो वो हमारा हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड होता है। अगर हम बात करें शौर्य चक्र की तो शौर्य चक्र मिलता है अवार्डेड फॉर वेलोर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वेलोर होता है, वेलोर का मतलब होता है करेज, मतलब हिम्मत, मतलब जो बंदा साहसी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा करेज हो, जो निडर हो, उसको बोलते हैं हम वेलोर। तो जो शौर्य चक्र है वो मिलता है किसी भी निडर काम करने पे या फिर कोई भी ऐसा सेल्फ सैक्रिफाइस का काम करने पे। और ऐसे ही अशोक चक्र होता है, उसको हम हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड बोलते हैं और भारत रत्न को हम बोलते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि विच इज़ द हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड या फिर विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिलीजन ऑफ मैन, रिलीजन ऑफ मैन नाम की बुक का ऑथर कौन है? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की काफ़ी सारी बुक्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सारी पता होनी चाहिए। ऐसे ही बात करते हैं महात्मा गांधी की एक बहुत ही फेमस बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, जिसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ऐसे ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। एंड अरबिंदो घोष एक काफ़ी फेमस राइटर हैं, उनकी सिंथेसिस ऑफ योगा काफ़ी फेमस बुक है। तो आपको ऐसे ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स पता होने चाहिए बिकॉज एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्लांट्स ऑन द अर्थ आर दी, जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं अर्थ पे वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, एल्गे। बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछता है द बेला डेला माइंस इज अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। द जो बेला डेला माइंस हैं वो किस चीज़ का रिच सोर्स है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ओर। अब बात करते हैं हम बेला डेला माइंस की। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये बेला डेला माइंस है ये है डांटेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो डांटेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये लाई करती है छत्तीसगढ़ में। मतलब कि जो ये बेला डेला माइंस है वो है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो बेला डेला माइंस है वो छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। तो चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हमारा आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 सीजेस टू ऑपरेट unless approved and extended by the parliament at the end of। जो proclamation of emergency होती है, मतलब कि जब emergency लगती है वो कितने time बाद seize हो सकती है, मतलब कितने period के बाद seize हो सकती है, seize to operate। तो हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा option number B, 2 months के बाद, यानी कि 2 months के बाद। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एमरजेंसी है वो आता है हमारा आर्टिकल 356 के अंडर।
तो ये था हमारा सिक्स क्वेश्चन। अब बात करते हैं आगे सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 8 को। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि जो अप्रैल 18 है, अप्रैल 18 को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। अप्रैल 18 को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ऐसी बात करें हम अगर सितंबर 27 की, तो सितंबर 27 को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको सब पता होने चाहिए, आपकी टिप्स पर होने चाहिए। अब बात करते हैं आज के इस 8th क्वेश्चन की। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो पोस्ट गुप्ता एरा में फेमस हुई थी। अब बात करते हैं आज के 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन पूछता है बॉम डेला पास इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो बॉम डेला पास है वो कौन सी स्टेट में है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। बी, अरुणाचल प्रदेश हमारा आंसर है। बॉम डेला पास अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो किस सिटी में है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।